जिम तो बंद है, पता नहीं था जिम बंद हो गया, वर्कआउट तो करना है। डंबल ले आए हम यहाँ पे आराम से वर्कआउट करेंगे। वैसे भी आज पार्क खाली है, कोई भी नहीं है, तो वर्कआउट वर्क कौन सा है? लेग्स। हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे जो जगह है जहाँ पे कोने में चाहेंगे, जहाँ पे कोई नहीं होगा, जहाँ पे हमें कोई नहीं देख सकता, जहाँ पे हमें कोई पहचान नहीं सकता। वैसे तो हमें कोई नहीं पहचानता वैसे भी, पर फिर भी इनके बीच में चल वर्कआउट ही करना है, खड्डा नहीं खोदना है। अपना वार्म अप कर लीजिए लेग का अच्छे से, लोअर बैक लेग सब एकदम से बॉडी। हाँ जी मास्क उतार सकते, वैसे आपके नजदीक आसपास कोई नहीं है, बट फिर भी यार पब्लिक प्लेस में आप तो पहन के रखो तो सही रहेगा। ये जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी चीज है। तूने बोला था कहीं कोने में करेंगे, यहाँ तो पूरा मेला लग गया। कोई नहीं, अब वार्म अप करो, अब वार्म अप वार्म अप कर ले, नौटंकी बाद में कर लियो। कर रही हूँ ना, लग दूँ ना तुम अच्छे से कर। फ्री वेट स्क्वाट कर, एक दो तीन चार, बीच बीच के करने हैं तूने दो सेट, ठीक है? गुड। बढ़िया। अगर तेरे नी आगे आ रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि अगर आपके नीज फीट के आगे आ रहे हैं तो गलत है, लेकिन उन लोगों की सोच गलत है। आपके नी आगे ही आएंगे, अगर पीछे रहेंगे तो आपका बैलेंस ही नहीं बनेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये परफेक्ट फॉर्म है। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्लो स्लो फील कर, फील कर। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल चार और, तीन और, दो, एक लास्ट, एक लास्ट। बहुत ज़्यादा धूप भी है, स्वेटिंग भी हो रही है, बट वर्कआउट करने का बहुत मज़ा आ रहा है। एंड सुविधा भी लंजेस कर रही है, अभी मैंने भी लंजेस करूँगा इसके बाद। और मैंने इसको फ्री वेट करने को बोला क्योंकि इसमें रैप ज़्यादा करने हैं, मैं वेट के साथ करूँगा। और हमारे पास सिर्फ 10 किलो के डंबल है, इससे ज़्यादा वेट नहीं है हमारे पास, तो उसके हिसाब से वर्कआउट करना पड़ेगा। वेरी गुड, वन, थोड़ा नीचे जा, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया। चल चार और, चलो तीन और, दो और, चल पांच, फास्ट फास्ट, वन टू थ्री फोर फाइव, गुड। ये आदमी वर्कआउट से बिल्कुल नहीं थका है, मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन गर्मी से ज़रूर थक गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। सीरियसली बाहर मत वर्कआउट करो, घर के अंदर ही करो यार। और ऐसा कुछ, और लोगों को बहुत, ये बहुत तगड़ा मिथ है कि गर्मी, जितना पसीना आएगा जितनी गर्मी में वर्कआउट करोगे उतना बेटर होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोग, कुछ लोग ऐसा भी सोचते कि वर्कआउट करो तो पंखे बंद कर दो, एसी बंद कर दो, हाँ, या फिर ज्यादा कपड़े, जरूरी नहीं है, या फिर फुल स्लीव्स कपड़े पहन के वर्कआउट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी बड़ी जिम में चले जाओ, फॉरेन में कहीं भी चले जाओ, हर जिम में एसी तो चलता ही चलता है। उससे क्या प्रॉब्लम क्या है यार, टेम्परेचर आपका एक लेवल पे कंट्रोल रहता है ना, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर आके वर्कआउट करना है तो ज्यादा कुछ होगा। इट्स टू हॉट, ऐसे करके जो साफ कर रहा है ना, मेरे रुमाल की वजह से ही कर रहा है। देखा ना तेरा रुमाल बड़ा टेंट लेके आई है तू पहाड़ के। एक बात बोलूं मैं, सीक्रेट बता दूं रुमाल का? हाँ सही बात बता दूं, बेइज्जती तो नहीं होगी ना? ठीक है मैं बता देती हूँ, वैसे इतना मस्त है ना, देख देख मैं बताती हूँ, ये जो रुमाल है ना ये एक्चुअली बड़ा गंदा है। वैसे नहीं नहीं, ये बहुत सॉफ्ट है, वो गंदा तूने किया अभी, ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा। लेकिन ये है क्या, ये किचन टॉवल है,
आएगी। फेस टॉवल नहीं आएगी? फेस टॉवल रफ थे तो मैंने किचन टॉवल ले लिया। शर्म आती थोड़ी सी भी? तो क्या हुआ, जो आपको ऐसा कुछ नहीं कि किसी चीज के ऊपर लिखा तो उसको वैसे ही यूज करते हो गया। वर्कआउट वर्कआउट हो गया तो डंबल डाल दिया बैग में, मेरे में हिम्मत नहीं है क्योंकि मैंने वेट वाला वर्कआउट किया ना, वेट यूज किया मैंने। तूने फ्री वेट किया, तूने बस एक सेट में वेट यूज किया। प्लीज देख ला, तर ले गया। बहुत बढ़िया लड़की, तो बहुत बढ़िया। ओ हो, पहलवान है तू तो, जल्दी डाल दे। उठाएगा लेकिन तू? हाँ मैं उठा लूंगा, तेरे से उठेगा? उठेगा ही नहीं तेरे से। क्यों नहीं उठेगा? तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन तोड़ देना और कसा दे लाइक वाला बटन।